पेज मेकर भाग दो के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे फाइल मेनू के बारे में। इससे पहले हमने आपको पार्ट वन में आपको सारी चीज की चर्चा कर दी थी कि ओवरऑल जो भी बाहर से होते हैं पेज कैसे ऐड किया जाता है, कंट्रोल पैनल कैसे चेंज होता है, कलर कैसे काम करता है, टूल बॉक्स कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को बारीकी से हमने डिटेल्स में बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन हमारा देता है न्यू। न्यू के द्वारा हम लोग एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाती है। इस डायलॉग बॉक्स को हम जूम करके दिखाते हैं बच्चों। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेटअप में आपको मिल जाता है पेज साइज। पेज साइज आपको जिस तरह का आपके पेज पे प्रिंट करना है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट को बनाना है, आप इस तरह से क्लिक करें। इसके बाद जो भी पेज आपको चाहिए ले लें। अगर आपको A4 साइज आपको फोटो कॉपी का पेपर चाहिए, आप यहां से A4 ले लें। अगर आपको यहां पर कोई भी एक क्या बोलते हैं विजिटिंग कार्ड आपको साइज का चाहिए तो आप यहां पे क्लिक करके नीचे में आ सकते हैं। एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम का, सबसे नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी कस्टम। कस्टम पर जाने के बाद आप अपने खुद से मन के मुताबिक जो है आप पेज का साइज ले सकते हैं। अगर एक छोटी सी पेज लेना है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पेज ले सकते हैं। अगर 6x6 का लेना है, 6x4 का लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 6x4 इंची का आप यहाँ से ले सकते हैं। डायमेंशन दिया गया है टॉल या वाइड। अगर आप टॉल रखेंगे तो पेज इस तरह से लंबवत में आएगी। देखिए यहाँ पर आपके जो पेजेज हैं आपको इस तरह से लंबवत है। हम आप प्रकार से दिखला दे रहे हैं, कैंसिल करके यहाँ पर दिखला दे रहे हैं फिट इन विंडो करके। तो देखिए ये जो पेज आप देख पा रहे हैं ये पेज आपका बिल्कुल लंबा में है। अगर आप यहाँ से वाइड ले लेंगे तो ये पेज आपको इस तरीकों से लंबाई में ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसमें टॉल वाइड के बाद आपका आ जाता है ऑप्शन डबल साइडेड। इसके बारे में हमने आपको पिछले अध्याय में हमने अच्छी तरीकों से कवर कर दिया था कि डबल साइडेड का मतलब क्या है। तो बच्चों आप कोई भी पार्ट को मिसिंग ना करें, एक एक पार्ट को बारीकी से देखें। चलिए हमने डबल साइडेड को हटा दिया। नंबर ऑफ पेजेज हमने 1 रखा। रीस्टार्ट पेज नंबरिंग, जिस जितने नंबर से आप पेज को स्टार्ट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट पेज 1 आता है। अगर आप यही रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पेज की जो मार्चिंग देख पा रहे हैं, ये जो हमारी पेज है पेज के एरिया में आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतनी दूर आपका पेज की मार्जिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कम मार्जिन रख करके आपको काम करना है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन 0.3 रख के हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं ताकि प्रिंट भी परफेक्टली आ सके और ज्यादा मैटर भी हम एडजस्ट कर सके। यहाँ पर हमने 0.3 और इस तरह से 0.3 और 0.3 हमने चारों तरफ से लगा ली। अगर आपको एक तरफ से चाहिए ज्यादा एक तरफ से कम तो आप इस तरीकों से भी दे सकते हैं। इसके बाद टारगेट आउटपुट जो रिजोल्यूशन है आप 300 dpi रखें। अगर आप जितना अच्छा क्लीन रखना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा और रख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है टोटल आपको 4800 तक जो है आपका पेज मेकर में मिल जाता है। जितना ज़्यादा आप रेजुलेशन पे काम करेंगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होते समय काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो है 72 में ही पेज मेकर प्रिंट कर लेते हैं बायोडाटा रिज्यूम वगैरह। कुछ बच्चे जिनका अच्छा सा प्रिंटिंग चाहिए जिसमें पेज मेकर में अच्छा सा विजिटिंग कार्ड चाहिए वो नॉर्मली 300 पे रखते हैं। इससे अधिक चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। कौन सा प्रिंटर आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखते हैं आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आपको पास प्रिंटर नहीं है तो आप प्रिंट टू पीडीएफ भी रख सकते हैं। मेरे पास अगर L3350 अगर सीरीज का है तो अलग सिस्टम में जुड़ी हुई है तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर, अगर पेज का नंबर 1, 2, 3 की जगह कोई और करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने ओके पे क्लिक कर दिया हमारे पास एक न्यू पेज बिल्कुल क्रिएट होकर के आ गई। देखिए ये बिल्कुल न्यू पब्लिकेशन हमारे सामने आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पेजेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ओपन। ओपन के द्वारा हम किसी भी सेव किए गए फाइल को ओपन कर सकते हैं। जिस तरीकों से हम यहाँ पर ओपन के द्वारा जैसे मान कर चलते हैं यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले एक PDF भी बनाया था एडमिट कार्ड के लिए बनाया था। तो देखिए एक एडमिट कार्ड ये भी है और एक हमने KK पब्लिक के नाम से भी बनाया था। KK पब्लिक के नाम से शायद वो पेन ड्राइव में है इस वजह से नहीं मिल रही है। तो हम फाइनल एग्जाम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने जो भी एडमिट कार्ड है ये जब भी हम कंप्यूटर की एग्जाम्स लेते हैं बच्चों के तो हम फिट इन विंडो कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीकों से एडमिट कार्ड को क्रिएट करते हैं।
तो ए एडमिट कार्ड हमारा आ गया। तो ओपन के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी सेव किए गए फाइल को ओपन करते हैं। इसके बाद है रिसेंट पब्लिकेशन। रिसेंट पब्लिकेशन के द्वारा क्या करते हैं कि जो भी पेजेस जितना भी आप यूज करते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आपको शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल हम एक न्यू पेजेस को इंसर्ट कराते हैं, फिर से फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास न्यू पेज आ गई है। इस पेज को यहाँ पर जा करके हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पर हमने क्लिक किया सेव और इसका एक नाम दे दिया, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड हमने नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ सेव इनका लोकेशन है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो ड्राइव आपको जहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। यदि आपको दिस पीसी के अंदर किसी फाइल के अंदर सेव करना है तो आप यहाँ पर जाकर के किसी अंदर में सेव कर सकते हैं। आपका लोकल डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव जहाँ सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम सेलेक्ट करें ढूंढना आसान हो तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं, पर अगर सुरक्षित दृष्टिकोण से आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे जाकर डी ड्राइव में ले गए तो आपको सबसे बेस्ट होती है। सेवन स्टैप आप अप्लीकेशन को ही रख सकते हैं, अगर आपको इसमें और कुछ चाहिए कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है जो भी हम बनाते हैं वो पब्लिकेशन मोड का होता है। सेव पे आप क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव कर दिया हमने, तो यहाँ पर देखिएगा फाइल में हमारा नाम इस तरीका से दिखाई देगा जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया, सी ड्राइव यूजर, यूजर के अंदर में, आपको डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर में हमने टाइप किया विजिटिंग कार्ड के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा तो था कि जो भी हम बनाते हैं वो हमारा सेव करता है। अब यहाँ पे अगर मान कर चलते हैं कि कोई एक दस्तावेज बनाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कोई भी दस्तावेज बनाते हैं या कोई भी आकृति बनाते हैं, देखिए जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दी, यहाँ पर हमने एक कलर भी दे दिया। इसके बाद एक हमने ओवल यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लिए, ठीक है, और इस तरीके से हमने इसका भी एक कलर दे दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं फाइल पे जाते हैं, क्लिक कर देते हैं सेव, तो हमने इसे सेव कर दिया, तो ये सारे उसके सारे फाइल इसके अंदर आपको सेव हो रहे हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर जाते हैं रिसेंट में, तो देखिए यहाँ पर विजिटिंग कार्ड के नाम से आ गई है। तो अगर आप यहाँ से फाइनल एग्जाम को खोलना चाहें एडमिट कार्ड, तो देखिए आपका एडमिट कार्ड भी खुल गया। और यदि आप यहाँ पर से खोलना चाहें विजिटिंग कार्ड को, तो आप क्लिक करके इसे भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने ये दिखाया कि रिसेंट पब्लिकेशन के द्वारा आप जितने भी पेजेस पर काम करते हैं तो करीब करीब आपको 10 से 12 पेज आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ नीचे तक शो करेंगे, और 10 से 12 के बाद आप जो भी सेव करेंगे वो अपने आप हटता चला जाएगा। इसी तरह से पहले छोटे वाले मोबाइल में मैसेजिंग की तरह भी होती थी कि जो भी कॉन्टेक्ट नंबर, सेव नंबर, जो डिलीट नंबर होते थे वो लास्ट का आपको 10 दिखता था, रिसीव कॉल मिस कॉल लास्ट का 10 से 12 दिखता था, इसके बाद जितना भी आता था पीछे से वो घंसता चला जाता था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका क्लोज। अगर इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपका पेज जो पुराना वाला था वो क्लोज हो गया। अगर इस पेज को भी हम क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज पूछ रहा है कि यस या नो, आप सेव करके करना चाहते हैं या चेंज किया है उसको नो करना चाहते हैं। अगर हमने इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं करना तो सीधे नो पे क्लिक कर देंगे, अगर चेंज किया था वो चाहिए तो यस पे करके आगे बढ़ना था। तो हमने सेव भी समझ लिया, सेव एज समझ लिया, इसके बाद सेव भी हमने समझ लिया, सेव एज। सेव एज से क्या करते हैं, किसी चीज का डुप्लीकेट बनाते हैं। जैसे हमने रिसेंट पब्लिकेशन में गए, हमने विजिटिंग कार्ड को ओपन कर लिया, अब इस विजिटिंग कार्ड की जगह पे हमने एक नाम दे दिया, अनदर नाम देना है, तो सेव एज में जाना है। सेव एज में जब भी जाना है, अगर किसी भी तरह का आप न्यू फाइल लेते हैं, नया नाम देना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर मानकर चलते हैं यहाँ पर हमने बना दिया शादी कार्ड, जिससे संबंधित आप कोई भी काम करेंगे आप इसको रखना है, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया शादी कार्ड के नाम से। तो आपके पास पहले का भी जो डॉक्यूमेंट था वो भी आपका रह गया, और जो यहाँ पे जो था वो भी आ गया, यानी विजिटिंग कार्ड के माध्यम से भी रह जाएगा और शादी कार्ड भी आपका बन गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है बच्चों ये है रिवर्ट। रिवर्ट के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे मान कर चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक नई सेव इंसर्ट करा दी, और पेज मेकर के अंदर क्या होता है कि अंडो का ऑप्शन आपको नहीं दी जाती, तो अंडो आपको एक ही बार काम करता है। मानकर चलते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दिया, इस तरह से हमने कुछ लिख दिया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो आप अंडो करके तो जा नहीं सकते, तो एक एक करके आप डिलीट करेंगे। तो अगर एक एक करके आप डिलीट करने लगेंगे तो आपके पास सिलेक्ट करने में समय जाएगा,
और डिलीट करने में भी आपको काफी समय निकल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप तो या तो कंट्रोल ए करेंगे, तो कंट्रोल ए भी करेंगे तो आपका पूरा ऑल सब्जेक्ट डिलीट करना पड़ेगा। तो इससे बहुत ही सुंदर सा ऑप्शन दिया गया है रिवर्ट का। रिवर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी आपने कुछ बनाया है सेव करने के बाद वो सभी के सभी मैटर एक बार में हाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे। तो हमने रिवर्ट पे क्लिक किया, इसके बाद हमने कर दिया ओके। तो जैसे ही हमने किया तो देखिए लिख रहा है रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन, यानी जो आपने लास्ट में सेव किया था बस वही रहेगा, बाकी सभी के सभी आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमने जितना भी लिखा था वो, तो इसीलिए पेज मेकर में जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं और यदि वो बिल्कुल लगता है कि परफेक्ट अरेंज हो चुका है तो उसे हम सेव करते जाते हैं। बच्चों आप लोग भी सेव करते जाइएगा, और आपको अगर लगता है कि नहीं इसमें बाद में चेंजेस है गड़बड़ी होगी तो आप बाद में रिवर्ट करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्लेस। प्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। प्लेस के द्वारा हम किसी भी पिक्चर्स को या तो किसी टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। जैसे सबसे पहले हमें फाइल पे गए और प्लेस पे क्लिक कर दिया। प्लेस के माध्यम से अब जहाँ पर आपकी कोई भी पिक्चर वगैरह रखी हुई है आप यहाँ से पिक्चर को जा करके सेलेक्ट कर लें। मानकर चलते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी एक पिक्चर अगर होता, देखिए जैसे ये पिक्चर हमारा है, हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया तो इस तरीकों का आपको निशान बन के आ जाएगा। अब जहाँ पर भी आपको पिक्चर लाना है बिल्कुल इजीली लेफ्ट बटन को प्रेस करके जितना बड़ा चाहिए उतना ड्रैग कर लें, और इसके बाद माउस की सहायता से आप कहीं पर भी जा करके रख सकते हैं। अगर आपको क्रॉपिंग करना है तो हमने टूल बार में बता दिया, आप जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस तरीकों से हमें छोटा करके इसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद फोटो के साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट भी चाहिए तो टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल आपको फाइल पे लिखना होगा किसी तरह का टेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन करते हैं और नोटपैड पे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेते हैं, जिससे मानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस तरह से किया और इसे हम सेव करा लेते हैं। फाइल पे गए और सेव जैसे करते हैं सिंपल सभी में एक ही तरह का प्रोसेस होता है सेव पर, और हमने इसको लिख दिया पेज मेकर ट्रांसफर। हमको इसको ट्रांसफर करना है पेज मेकर में, इसलिए और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने से आसानी से हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी है जो हमने नेट पर में सेव कर रखा है, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया, अब हम आते हैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं प्लेस के अंदर में। प्लेस के माध्यम से जाने के बाद आपको डेस्कटॉप के अंदर जाना है, जो भी आपका सिंपल टेक्स्ट फाइल जैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, अभी हमने सेव कुछ और किया था पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लाना है, हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया। अब जहाँ पर भी हम इस तरीकों से ड्रैग करेंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, तो देखिए ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन इतना दूर हमारा आ गया। यहाँ पे जो रेड ऑप्शन दिखाई देता है बच्चों, रेड का मतलब होता है कि इसके अंदर और भी चीज़ छुपी हुई है। जैसे रेड पॉइंटर पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उतना मैटर और भी आपका आ जाएगा। तो मैटर इतना ही था। तो ये देखिए टैली पे ऑल के अंदर हमने कुछ लिख रखा था। इसी प्रकार से अगर हम फिर से जाते हैं प्लेस के अंदर में, और अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका जो हमने नाम दिया था, शायद नाम तो भूल रहे हैं क्या दिया था, तो चलिए देख लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हमने क्या नाम दिया था याद बोल रहे हैं इसको, हाँ पेज मेकर हमने लिखा था, पेज मेकर ट्रांसफर, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, और अगर आपको जहां पे भी चाहिए इस तरह से आप इसको ड्रैग कर दें, आपको वो चीजें आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फाइल मेनू में। आपका एक बार के द्वारा क्या करते हैं कि किसी के द्वारा अगर आपके पास कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है और प्रिंटर या स्कैनर के द्वारा अगर कोई भी इमेज आप लाना चाहते हैं पेज मेकर के अंदर में, तो आपको स्कैनर के माध्यम से ले सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इमेज को आप डायरेक्टली पेज मेकर में इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया एक्सपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल को किसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान कर चलते हैं कि यहाँ पर हम ये जो हमारा टाइप किया मैटर है या ये मैटर है, हम इसको पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं, तो आप सीधे जा सकते हैं
और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम कर देंगे पीडीएफ। जैसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करना है यस, यस करते ही आपको लेकर के जाएगा सेव के इंफॉर्मेशन पे लेके जाएगा जहां आपको सेव का एक ऑप्शन खुलेगी। इसके बाद आप जितने मैटर को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उतने दूर का मैटर को भी सिलेक्ट करके आप ले जा सकते हैं। पर ये हमारा वर्जन जो है पेज मेकर का जो है एजुकेशन बोर्ड पे रहता है, इस वजह से थोड़ी सी रिस्पॉन्डिंग अवस्था में चली जाती है, थोड़ा सा वेटिंग में प्रोसेस में ले लिया है। ठीक है, अगर देखते हैं अगर कटेगा तो फिर हम फिर से ओपन करके आएंगे, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइल मेनू में, तो एक्सपोर्ट के माध्यम से बच्चों कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान कर चलते हैं हमने एक पिक्चर को सेलेक्ट किया, अगर ये मेरा पिक्चर है और इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप ऑप्शन खुल जाएगा, तो जो चीज़ आप लाएंगे वो सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपके काम करेगी। हमने मिश्रा सर के नाम से सेव है, मिश्रा सर न्यू IMG के नाम से हमने सेव कर दिया, इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिए सेव। ठीक है, तो एक ग्राफिक्स के नाम से देखिए आपको डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगी एक पिक्चर, देखिए मिश्रा सर न्यू इमेजेस, तो ये आपका मिल करके बन करके आ जाएगी। इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट आपको बन के आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेते हैं, जैसे मान कर चलते हैं हमने यहाँ पे किसी तरह का टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और अगर हमने इतना टेक्स्ट को हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल पे गए एक्सपोर्ट पे गए और हमने कर दिया टेक्स्ट। ठीक है, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेक्स्ट का फाइल बन के आ जाएगा, हमने नॉर्मल लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर में आपने जो लोकेशन लिया था बन के रेडी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए नोट पर में आया हुआ रहेगा। तो ये कुछ सुविधा दी गई है यहाँ पर पेज मेकर के अंदर में कि नोट पर से पेज मेकर, पेज मेकर से नोट पर में आप इसको कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर और दिया गया है HTML के माध्यम से, अगर आपको HTML पता है तो HTML के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंक मैनेजर। लिंक मैनेजर में क्या होता है कि अगर आपने जो जो पिक्चर कहाँ से लाई है, टेक्स्ट कहाँ से लाई है, उस सभी चीज़ का एक इंफॉर्मेशन रखता है लिंक मैनेजर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई गई, देखिए देखिए मिश्रा सर न्यू इमेज TIFF पर जो है यहाँ पर आपको दिख रही है कि स्टेटस दिस आइटम अप टू अपडेट इसको किया गया है। नेक्स्ट है पेज मेकर ट्रांसफर इमेज जो है एक ये ऑप्शन हमारा है। इसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt है, इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ अपलोड किया गया। अब हम इन सभी को इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो INFO पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी चीज़ हमको दिखलाएगी कि कहाँ से आया हुआ है। तो सी ड्राइव यूजर डेस्कटॉप पेज मेकर ट्रांसफर .txt के अंदर से आया है। अगर हम जानना चाहते हैं कि जो ये मेरा फोटो है वो कहाँ से लिया गया था, तो जैसे INFO पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मिश्रा सर जो था वहाँ पर से फाइल को लिया गया है। तो जो चीज़ें भी आप जहाँ से उठाइएगा उसका ए लोकेशन बता देता है आपको। ठीक है, तो ए लोकेशन आपको बताने का काम करता है लिंक मैनेजर। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप के द्वारा क्या होता है कि अगर आपने जो पेजेज ली है इस पेजेज को आपको चेंज करना था, पेज के अंदर आपने चेंज करना था, गलती से कुछ ले लिया, तो डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे मान कर चलते हैं आपने लेटर लिया था, आपको A4 चाहिए था, आपने टॉल किया था, आपको वाइड चाहिए था, ठीक है, इस तरह के आपको लेना चाहिए था, तो आपने ओके कर दीजिएगा। तो ए डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपका देखिए चेंजेस हो गया, ए पेज आपका थोड़ा लंबवत हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज चाहिए था तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर के स्टाइल। अगर प्रिंटर के स्टाइल आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक न्यू डिफाइन कर सकते हैं प्रिंटर के स्टाइल, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर मान कर चलते हैं आपके पास जो भी प्रिंटर है आप इस प्रिंटर का नाम लिख दें, कोई जरूरी नहीं है, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, रामचरण मोहन कुछ भी लिख सकते हैं, हमने पिप्सन नाम दे दिया। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी एडिट का। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेटिंग मिल जाएगा करने का कि आप जो प्रिंट करने वाले हैं वो जब भी प्रिंट करें तो कितना पेज प्रिंट हो। इसके बाद है कि वो कलेक्ट करें कि रिवर्स करें, कलेक्ट का मतलब है कि जिसे मैंने बताया था, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि अपोजिट, कलर का मतलब है कि अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया अगर 10 पेज का PDF है तो 1 से लेकर 10 तक पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो जब भी 1 से 10 तक है तो हमारा 10, 9, 8, 7 करके जो है प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद प्रूफ रीडिंग का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी अच्छी तरीके से सेटअप करेंगे। बाकी सेटअप ऑप्शन है, कलर ऑप्शन है, जो भी आपको कलर में प्रिंट करना है, ग्रे स्केल प्रिंट कलर, ब्लैक, जो भी आपको करना है
तो जितने भी सेटअप वाला जो है आपको टाइम काफी लग जाएगी, इस वजह से सेटअप का जो वीडियो है स्पेशल स्पेशल जो अलग अलग देंगे। तो आप सबसे पहले हमने कर दिया ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे फाइल के अंदर में दिया गया है प्रिंट। अगर आप प्रिंट भी करेंगे तो वही ऑप्शन है। प्रिंट सेटिंग स्टाइल में क्या होता है कि अगर आप सेट कर देंगे तो आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिंटर पे आते हैं तो आपको जो जो जैसे जैसे प्रिंट करना है आप यहाँ से सेटअप कर लें, 1 पेज 2 पेज वर्क पेज ऑड करना है कि इवेंट करना है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए प्रिंटर भी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, पीडीएफ भी चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू आपको इसमें दिखाई नहीं देती, तो आप पीडीएफ में कर करके आप इसके प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के अंदर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज है जिसको जनरल। जनरल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा कि जो आप मेजरमेंट कर पा रहे हैं ये मेजरमेंट आपका इंचेज में है। अगर आप इंच की जगह पर किसी ने आपको कर दिया है मिलीमीटर से या पिकास कर दिया तो ओके करेंगे तो देखिए ये मेजरमेंट आपको चेंज हो जाएगी। लेफ्ट का अलग होता है और टॉप का अलग होता है, तो अगर चेंज करने का ऑप्शन है तो कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पे जाना है जिसका शॉर्टकट Ctrl+K होता है। इसी तरह से वर्टिकल रूलर है तो रूलर को आप किस अनुसार से करना चाहते हैं तो देखिए रूलर में भी आपका यहाँ पे चेंजेस होगा। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ इंच रखते हैं और इसे भी इंच रख करके ही काम करते हैं ताकि आसान हो जाता है। ग्राफिक डिस्प्ले स्टैंडर्ड रखना है, अगर हाई रेजोल्यूशन पे चाहते हैं तो आप इसे हाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जो नच है कंट्रोल पैनल का आप इसको रख सकते हैं 0.1। इससे क्या होता है कि नीचे का मार्जिन आपको बिल्कुल पॉइंट पे बैठता है। इसके बाद यहाँ पे जो गाइड का ऑप्शन है फ्रंट और बैक है, यानी कि अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो ये गाइड मिलती है। यहाँ पे देखिए जैसे हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे गाइड मिलती है, तो अभी गाइड कहाँ दिखाई दे रही है आपको इस शेप के ऊपर में दिखाई दे रही है। अगर मान कर चलते हैं इसे नीचे में करना है कि जो भी गाइड आए वो नीचे में दिखे तो ये थोड़ा सा स्टाइल दिया गया है, नहीं तो गाइड तो ऊपर से हम लोग को दिखे या तो कभी कभी जरूरत पड़ती है अंदर से, तो आप इसे बैक करके रखेंगे ओके करेंगे तो देखिए आपका गाइड जो है अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स आपको ऑप्शन दिया गया है फाइल मेन्यू के अंदर में। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे देखिए हम जनरल के अंदर में लेकर के चलते हैं कि अगर आपको पेज मेकर में मूर्धनि से आप टाइप करना चाहेंगे तो नहीं टाइप होगा, तो इसके लिए आपको जाना होगा मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे जैसे ही जाएगा तो एक ऑप्शन मिलता है टर्न पेज वेट आउट ऑफ फ्लोइंग। अगर आप इस पर टिक लगाए हुए रखिएगा तो आपको जो मूर्धनि से होता है वो आपका काम नहीं करेगा, तो आप इसको यहाँ से टिक हटा दीजिएगा, इसके बाद टाइप कीजिएगा। अगर फिर भी ना हो तो आप ये टिक भी आप हटा करके आप प्रिंट कीजिएगा या काम कीजिएगा तो आपका बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, ओके कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो दे दिया है कि मूर्धनि से कैसे लिखना है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह है सेव इनेबल। अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है अगर आप ईमेल पे सेव करना चाहते हैं तो अगर ये लिंक रहेगा ईमेल के थ्रू तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट आप ईमेल खोल सकते हैं। इसके लिए कहा है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक कॉन्टैक्ट होना चाहिए मेल करने के लिए, तो अगर आपको आउटलुक पर अकाउंट होगा तो आप यहाँ से इस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एग्जिट। जैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज मेकर जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में एग्जिट ऑप्शन था, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट था वो बंद हो जाएगा, पेज मेकर भी आपका बंद हो जाएगा। पेज मेकर आपका बंद हो गया लास्ट ऑप्शन एग्जिट से, और इसके बाद जो है आप आराम से जो है आप इसको ओपन करके दोबारा देखना चाहें तो फिर आप दोबारा में देख सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा पेज मेकर का अध्याय 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और जितना भी ऑप्शन के अंदर ऑप्शन मिलते हैं इसे हम अलग से कवर करेंगे ताकि वीडियो में ज़्यादा लेट ना हो। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।